तो ये है जी सिटी शेफ का किचन। अभी तक जितने रेस्टोरेंट मैंने करे हैं इतना बड़ा किचन मैंने नहीं देखा है। हमारे क्या क्या आइटम्स तैयार हो रहे हैं देख लेते हैं, शेफ साहब से थोड़ी बात कर लेते हैं। मसाला टिक्का है, मसाला टिक्का हो गया हमारा, ठीक है। ये चिकन मलाई टिक्का है, ठीक। बस बस इतने पेट में क्या क्या जाएगा। हम चेक करने वाले हैं द क्वाइंस के 3 मोजिटो, जल्दी से ट्राई करते हैं। तंदूर का जायका, क्रीम का जायका, और जो ये इसके साथ सैलेड है क्रीम वाली, हल्की सी मिठास वाली, ओहो बहुत ही जबरदस्त मजेदार। ओए होए, आप ये देखो मटन की क्वालिटी चेक करो आप, कितना जबरदस्त ये मटन है। ये आ गई जी हमारी मटन नहारी की पहली बाइट। बिरयानी दोनों A1, 10 out of 10। अब जल्दी से देखते हैं, जो लोग अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट की तलाश में हैं और चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड वाली जगह आप जा सकें और जायकेदार खाना वहां खा सकें, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पॉकेट पे भी ज्यादा बोझ ना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के दिल कहे जाने वाले सेंटर पॉइंट के द सिटी शेफ में। द सिटी शेफ एक ऐसा नाम है जो ना सिर्फ अलीगढ़ में बल्कि अलीगढ़ से आगे बढ़ के दुबई तक अपने जायकों की धूम मनवा चुके हैं। जी हाँ, जैसे कि इनका रेस्टोरेंट सेंटर पॉइंट पे द सिटी शेफ नाम से है, वैसे ही दुबई में अलीगढ़ शेफ नाम से भी इनका एक रेस्टोरेंट है। तो जायकेदार मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाइए। आइए जल्दी से देखते हैं कि कैसा है यहाँ का एम्बियंस, कैसा है यहाँ का खाना, खाते हैं और शेयर करते हैं आपसे। हमारे साथ हैं इस वक्त कामरान भाई, जो कि सिटी शेफ द सिटी शेफ के मैनेजर हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके चेहरे से ही एक ताल्लुकात बन जाते हैं, रिलेशन बन जाता है, और फिर लोग उनके पास खींचे चले जाते हैं। कुछ ऐसे ही हैं यहाँ के मैनेजर कामरान भाई, बहुत ही बा अखलाक, बहुत ही मोहब्बत वाले, बहुत ही मेहनती, जो बहुत मेहनत से इस रेस्टोरेंट को देख रहे हैं। तो आइए जल्दी से इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, सिटी शेफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। खैरे से हैं आप? देखिए, होटल इंडस्ट्री में सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है वो अखलाक ही होता है जी। और आपके अखलाक से लोग आपके पास आते हैं, उन्हें आप अगर गेस्ट, हम यही सोच के चलते हैं कि जितने भी लोग हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं वो हमारे सब मेहमान हैं, और मेहमानों की मेहमान नवाजी हम कोशिश ये करते हैं बेहतर तरीके से कहें, हम अपने तौर पर उनकी खातिर करते हैं, पूरा तवज्जो देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके फीडबैक बहुत अच्छे रहते हैं। आज हमारे पास सभी तरह के लोग यहाँ आते हैं और सभी तरह की जेंट्रीज हैं माशाल्लाह से। रेस्टोरेंट भी बहुत हमने कायदे से मेंटेन किया है, इसको दोबारा से इसको रिनोवेट कराया है जी, जी, जी। और आपको अलीगढ़ में बेस्ट बारबेक्यू खाना है, बेस्ट मुगलई फूड खाना है, तो आई एम श्योर सिटी शेफ इज़ द बेस्ट कुजीन फॉर द मुगलई एंड बारबेक्यू। इस चीज़ के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि अलीगढ़ में अगर आपको बेस्ट पार्टी भी करनी है, लाइक बर्थडे प्रोग्राम, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, इस तरीके के लिए हमने अपना अलग वेन्यू सेट किए हुए हैं। हमारे पास 2 वेन्यू हैं माशाल्लाह से, एक दुबई किचन के नाम से हमारा एक हॉल है जिसमें हमने करीब 60 से 70 लोग, हमारा पूरा अरेंजमेंट हो जाता है। और आपको अगर 100-150 लोगों की भी गैदरिंग करनी है उसका भी अरेंजमेंट है हमारे पास, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही मुनासिब कीमत में हमने पैकेज अपने स्टार्ट किए हुए हैं। और उसके अलावा अलीगढ़ में अगर आपको बेस्ट नहारी खानी है, बेस्ट कोरमा खाना है, बारबेक्यू में जैसे आपको कबाब खाने हैं, मटन कबाब हमारा स्पेशल होता है, और एक चिकन टर्किश कबाब होता है बहुत ही स्पेशल है, पूरे अलीगढ़ में 2 कबाब आपको आई एम श्योर कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही
यमी, बहुत ही टेंडर टेस्ट है इनका। और कोशिश हमारी यही रहती है, हम फ्रेशली हर चीज़ प्रिपेयर करते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच गया कि यूज़ कर लिया तो क्या, अल्लाह के करम से निज़ाम ऐसा है कि सब कुछ कंज्यूम हो ही जाता है। जी जी। अच्छा, मुझे एक बात जाननी थी, देखिए क्योंकि सेंटर पॉइंट जो है वो अलीगढ़ का हर्ट है और हर कोई फैमिली वाला या जो भी मेहमान आ रहे हैं तो ज़्यादा लोग सेंटर पॉइंट लेके आते हैं। जो यहाँ पर हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट जो पुराने भी हैं और काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो असल सवाल ये आता है कि भाई एक तो हमें अच्छा एम्बियांस मिले, अच्छा माहौल मिले, हम फैमिली को लेके आ रहे हैं जी, जी तो एक कंफर्टेबल चीज़ होनी चाहिए। राइट। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है जायका, कि हाँ, खाने में टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर खाने में टेस्ट नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। Exactly. लेकिन जो मेरा सवाल है इसमें वो ये है कि साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारी पॉकेट पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े, उसके हिसाब से आप बताइए कि क्या है। हमने देखिए, वैसे तो जो हमारा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है अफोर्डेबल प्राइस है, हमारे पास माशाल्लाह से स्टूडेंट्स भी आते हैं, हमारे पास जो है मिडिल क्लास जेंट्री भी आती है और हमारे पास यूथ भी आती है। उस यूथ के लिए हमने फास्ट फूड भी शुरू किया है, अभी कुछ मॉकटेल्स शुरू किए हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे जो ख़ास मेहमान हैं जो रेगुलर बेस पे हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी हम रखते हैं। और हमने ऐसा नहीं कि सर्विस चार्ज ले लिया, कि ये पैसे ले लिया, हिडन चार्ज हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। जो मेन्यू है उसके ही हमें आपको पे करना होता है, उसके अलावा डिस्काउंट्स हमने रखे हुए हैं अपने जो ख़ास मेहमान हैं, मोस्टली तो हम सबको डिस्काउंट दे के चलते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के ज़रिए भी जो लोग आएंगे वो बताएंगे तो मैं उनको भी डिस्काउंट दूंगा, और अपने अपने मेहमान नवाजी से मुतमईन करके मैं भेजूंगा उनको। तो कामरान भाई, मुझे बारबेक्यू के बारे में बताइए कि बारबेक्यू में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी कुछ नया आप लाए हैं बारबेक्यू में। जी जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। हमने क्या है, अपने गेस्ट के लिए एक सर्विस, एक स्पेशल सर्विस इम्प्लीमेंट की है, वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है और उसका रिस्पांस और रिजल्ट भी अच्छा। हमने जो है 699 का एक पैकेज स्टार्ट किया है जिसमें अनलिमिटेड स्टार्टर्स हैं, उसमें 4 से 5 तरीके के स्टार्टर्स हैं, वेज नॉन वेज, लाइक चिकन बर्रा, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, पनीर टिक्का, मटन सीख कबाब। उससे पहले हम सूप और कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं। जी जी जी। और मेन कोर्स में भी हम मटन की डिश देते हैं, चिकन की डिश देते हैं, पनीर की डिश एंड चिकन बिरयानी, सैलेड, रायता, 2 तरह के डेजर्ट, ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड है, कोई कितना भी है, डजेंट मैटर, इट्स जस्ट ₹699 पर हेड। और ये दो लोगों भी आप अगर आते हैं तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अच्छा अच्छा। जी, अगर हमारे यहाँ दो लोग भी आते हैं उन्हें बुफे चाहिए तो टेबल पे अनलिमिटेड बुफे सर्व हो जाएगा ₹699 में। क्या बात है, क्या बात है, मतलब इतनी सारी चीज़ें और अनलिमिटेड भी केवल 699 में, और क्या चाहिए। पर ये ट्राई तो करना बनता है ज़रूर, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। ग्रुप्स में भी लोग आते हैं, इंडिविजुअल भी लोग आते हैं, तो सबके लिए रहता है माशाल्लाह, और उसका फीडबैक बहुत है। लोग खा नहीं पाते, मज़ा आ गया, जी जी, दिल भर गया। देखिए खाना तो लोग सभी खाते हैं, लेकिन दिल भर गया, मज़ा आ गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस यही चाहूँगा कि अपना जो लोग सिटी शेफ को जानते हैं वे आते रहें, आएँ, और जो नहीं जानते एक बार ज़रूर आएँ, एक बार खिदमत का मौका हमें दें। आई एम श्योर कि हम अपने अखलाक, तहजीब, अलीगढ़ का जो कल्चर है, जो तहजीब है, उससे भी और प्लस हमने खाने की क्वालिटी से सेटिस्फाई करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम शुक्रिया। द सिटी शेफ के जायकों को चखने से पहले और आपसे शेयर करने से पहले जल्दी से किचन में चलते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि भाई किचन में जाना बहुत ज़रूरी होता है। किचन में जाके ही पता चलता है कि जो यहाँ से जायके बाहर निकल रहे हैं वो किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, और देखकर जो क्यूरियोसिटी बनती है ना, और मुंह में जब पानी आता है, और तभी तो मज़ा आता है। तो आइए जल्दी से किचन में चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए तैयार हो रही हैं, और थोड़ी सी शेफ साहब से बात करते हैं। जल्दी से आ जाइए। सिटी शेफ़ का किचन, अभी तक जितने रेस्टोरेंट मैंने करे हैं इतना बड़ा किचन मैंने नहीं देखा है। बहुत ही बड़ा साफ़ सुथरा किचन है। हमारी क्या क्या आइटम्स तैयार हो रहे हैं देख लेते हैं, शेफ़ साहब से थोड़ी बात कर लेते हैं। शेफ़ साहब कहाँ हैं?
अच्छा तो आ जाओ शेफ साहब से थोड़ी बात करें। तो सिटी शेफ के किचन में हम आ चुके हैं, बड़ा ढूंढने पे हमें शेफ साहब मिले हैं, बड़ा बिजी थे। तो हेलो शेफ, क्या हाल चाल है आपके? जी बढ़िया। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, सोनू भाई यहाँ के मेन शेफ हैं और ये हमें बताएंगे कि क्या क्या ये तैयार कर रहे हैं और थोड़ी सी हम शॉट लेंगे। तो सोनू भाई बात करते करते आपसे, और आप काम करते रहिए, बिल्कुल हाथ मत रोकिए, थोड़ी थोड़ी सी हम आपसे बात भी करते रहेंगे। तो क्या क्या तैयार आप हमारे लिए कर रहे हैं? जी मसाला टिक्का है, चिकन बर्रा है, चिकन मलाई टिक्का है, ठीक है, चिकन मटन बिरयानियाँ हैं और बटर चिकन है और मम्मा वो जो है मटन निहारी है। बस बस इतने पेट में क्या क्या जाएगा। अच्छा तो आप कब से काम कर रहे हैं? ये मुझे हो गई 7 साल करीब हो गई यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर 7 साल हो गए, उससे पहले से? अभी गार्डन में था मैं। मतलब कितने साल हो गए आपको? करीब 15 साल करीब हो गए। 15 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस खाने में बोलेगा, खाने में हम देखेंगे कि सोनू भाई के हाथ में कितना जादू है। तो और आपकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब आप किस चीज़ में माहिर हैं? मटन निहारी है, मटन बिरयानी है और मटन कोरमा है। जी जी जी, मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। भाई मटन निहारी मैंने पहले भी इनकी खाई है, मेरे पहले वीडियो में है, बहुत ज़बरदस्त होती है और सोनू भाई वाकई में लाजवाब होती है आपके हाथ की मटन निहारी। तो आइए बगैर इंतज़ार करें जल्दी से देखते हैं क्या कुछ निकल रहा है, तैयार हो रहा है, आ जाइए। जी सोनू भाई बताइए क्या है ये? ये हमारी स्पेशल मटन निहारी। अच्छा निहारी आ गई है ये हमारी, ठीक है, मटन निहारी जिसकी आप एक्सपर्ट हैं सोनू भाई। जी बहुत बढ़िया, ये हो गई जी गार्निशिंग। जी जी जी, धनिया है ना? जी जी जी, चलिए ठीक है। और क्या है सोनू भाई? ये हमारा बटर चिकन। बटर चिकन आ गया भाई, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा सोनू भाई ये बताइए कि बटर चिकन की जो पीसेज हैं चिकन के, ये आप रोस्ट तंदूर करते हैं जी या वैसे ही डालते हैं? नहीं नहीं नहीं, तंदूर करके तब डालते हैं। अच्छा तंदूर करके डाले जाते हैं। जी जी जी, ये है मटन यखनी बिरयानी। जी जी जी, ये है चिकन हैदराबादी बिरयानी। ठीक है, ये हो गई जी हमारी मटन बिरयानी और चिकन हैदराबादी बिरयानी, दो दो बिरयानी। जी जी, चलिए ठीक है। और क्या क्या आइटम है सोनू भाई? और हैं मलाई टिक्का है, मसाला टिक्का है, चिकन बर्रा है, मटन सीख कबाब है। दोनों भाई बताइए। ये मसाला टिक्का है। मसाला टिक्का हो गया हमारा, ठीक है। ये चिकन मलाई टिक्का है, ठीक। ये चिकन तंदूरी है। जी जी। ये मटन सीख कबाब है। चलिए बढ़िया। तो सोनू भाई सारे आइटम हमारे तैयार हो चुके जी जी है जी। ना जी, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया सोनू भाई ने हमारे सारे आइटम तैयार कर दिए हैं, जल्दी से बाहर चलते हैं और एक एक आइटम चेक करके आपको बताते हैं कैसा है जाएगा। वैसे सोनू भाई बढ़िया ही बनाते हैं। सोनू भाई बढ़िया होगा? चलिए बहुत शुक्रिया सोनू भाई, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम हैं द क्वेंच के पोर्शन में, हमारे साथ समीर भाई हैं, ये मॉकटेल्स तैयार कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से देखें कि कौन कौन सी मॉकटेल्स ये तैयार कर रहे हैं। जी समीर भाई बताइए क्या क्या आप तैयार कर रहे हैं? मैं एक पीना कोलाडा बनाऊंगा जी, एक ब्लैडी मैरी बनाऊंगा। अच्छा, और एक अल्ट्रा मरीन। चलिए ठीक है, जल्दी से बना के दिखा दिए। पहले लेमन चला गया जी, सही है। फिर उसके बाद मिंट के। अच्छा ये मिंट, ठीक है। अरे भाई ये बताइए जितनी मॉकटेल्स होती हैं उसमें मिंट जो है वो ज़रूरी फ्लेवर आता है मिंट का, मिंट का फ्लेवर आता है। अच्छा ठीक है, ये सिरप डालना है। सिरप ये किस चीज़ का है? शुगर के लिए होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, इससे फ्लेवर नहीं आता है? नहीं नॉर्मल होता है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ये आ गया हमारा फ्लेवर शुगर के लिए है ना जी। सही है, अल्ट्रा मरीन सिरप है ये। हाँ ब्लू क्रोसाओ फ्लेवर अच्छा होता है ये, ठीक है। अच्छा ये फ्लेवर के लिए है, इसमें शुगर नहीं है नहीं। ये फ्लेवर के शुगर इसमें भी होती है। हाँ और ये फ्लेवर होता है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। नाम क्या बताया इसका? अल्ट्रा मरीन। ठीक है भाई, वाह भाई वाह। ये अभी इसे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहला है अल्ट्रा मरीन, ब्लैडी मैरी, वाटरमेलन और ग्रेनेडाइन जी। इसमें दो फ्लेवर पड़ते हैं ब्लैडी मैरी में। ठीक है ठीक है। हाफ हाफ क्वांटिटी जाती है इसकी? जी जी जी। चलिए ठीक है, ये आ गया हमारा वाटरमेलन और ये आ गया क्या नाम था इसका? ग्रैंड। ये फ्रूट्स वाले नाम तो याद रहते हैं, बाकी बहुत ही टिपिकल नाम होते हैं। तो समीर भाई आप कहाँ से हैं? मैं अलीगढ़ से ही हूँ, पानी वाली को। अच्छा, और ये आप कब से कर रहे हैं? 2 साल हो गए हैं मुझे इस काम में। अच्छा तो पीना कोलाडा। पीना कोलाडा, चलिए ठीक है समीर भाई शुरू करिए।
के ये आ गई हमारी आइस। आइस के बगैर तो भाई कुछ भी नहीं है, है ना, गर्मी इतनी है। अब चलेगी स्प्राइट। वाह चलो ठीक। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया। हो गया ना फाइनल? हाँ जी फाइनल। अब तो कुछ नहीं डालना है इसमें, स्ट्रॉ लगने हैं बस। ठीक है चलिए। तो भाई गर्मियों का बेजोड़ इलाज है ये मोजीटो। मोजीटो है ना सिविल भाई? मोजीटो जो है गर्मी का बेजोड़ इलाज है। तो हम चेक करने वाले हैं द क्वेंच के मोजीटो। अरे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सिटी शेफ का नाम यूं ही नहीं है, बड़े बड़े स्टार्स भी यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं 92.7 बिग एफएम से आरजे कल्पना जी। तो आइए जल्दी से इनसे रिव्यू लेते हैं सिटी शेफ के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा रिव्यू कोई दे नहीं पाएगा। जल्दी से आ जाइए। हे हाय एवरीवन, सो इफ यू रियली वांट टू यू नो एक्सपीरियंस अ गुड फूड, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस। वेज, नॉन वेज और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि अगर आप अपना मूड बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तो आप सिटी शेफ आइए, लैंडमार्क मॉल मैरिस रोड अलीगढ़। मेरा नाम अहब रिजवी है और मैं सिटी शेफ जो है काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, जब से ये ओपन हुआ तब से मैं आ रहा हूँ। यहाँ का मुझे एम्बियंस तो अच्छा लगता ही लगता है, बट उसके अलावा यहाँ का जो फूड क्वालिटी है दैट इज़ अमेजिंग। और ख़ास तौर पे यहाँ के स्टार्टर्स जो होते हैं, स्टार्टर्स का कोई लेवल नहीं है अलीगढ़ में। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर्स जो मैंने अब तक खाए हैं अलीगढ़ में, यहाँ पे सिटी शेफ में मिलते हैं। तो दैट्स ऑल। मेरा नाम मोहम्मद अनस। तो आप यहाँ आते रहते हैं? जी यहाँ आते रहता हूँ। आते रहते हैं तो यहाँ के क्या क्या आइटम्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? यहाँ की निहारी, चिकन बर्रा और जितने भी रोस्टेड आइटम हैं सब सारे अच्छे आइटम अच्छे हैं। अच्छा, और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। फैमिली के हिसाब से? हाँ, फैमिली के लायक तो सबसे अच्छा है, सबसे सेफ है ये, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, फैमिली के लिए सब कोई तोड़ नहीं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा खान। मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में हैं आप? नसीबी। नसीबी। My name is Murtaza Khan. जी। I'm class prep C. Prep C, okay. आपको क्या खाना है यहाँ पे? क्या पसंद है आपको खाने? Chicken. Chicken. Okay, thank you बेटा। भाई इस वक्त हम बैठे हैं सिटी शेफ में और हमारा खाना लग चुका है। जल्दी जल्दी से ट्राई करते हैं और आपसे जायका शेयर करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस रोस्टेड चिकन से। ये है जी यहाँ का रोस्टेड चिकन, काफ़ी जूसी लग रहा है दिखने में, मसालेदार लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे मैं हटा देता हूँ। रोस्टेड चिकन का लेग पीस, तो पहला आइटम स्टार्टर में हमने लिया चिकन रोस्टेड, मसालेदार, स्पाइसी, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जूसी है। लेकिन इसके साथ ये मिंट सॉस मिली है, मिंट की चटनी। ज़रा इससे भी इसको मिला के देखें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि चटनी जो है वो जायके को बिल्कुल बदल देती है, इन्हेंस कर देती है और मज़ेदार कर देती है। और उसके साथ हम लेंगे थोड़ी सी इनकी ये प्याज भी, जो ये विनेगर वाली प्याज होती है। एक बाइट और। प्याज के साथ पहला आइटम जो स्टार्टर में हमने खाया वो था चिकन तंदूरी, स्पाइसी, ज़बरदस्त, मेरे वाला टेस्ट। जो अगर स्पाइसी ना हो ना, चटपटा ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आइटम बहुत है और सबका जायका आप तक पहुंचाना है। दूसरा आइटम लेते हैं हम ये मलाई टिक्का। तो ये चिकन मलाई टिक्का है। मलाई टिक्का थोड़ा सा मलाई की वजह से कम स्पाइसी होता है, कम चटपटा होता है। लेकिन इसके साथ ये जो सैलड मिलती है ये होती है इसकी गेम चेंजर, क्रीम वाली सैलड। ओए होए होए, थोड़ा सा इसको भी लेते हैं। और अब यहाँ का मलाई टिक्का चेक करते हैं कैसा है। प्रॉपरली पका हुआ है, अच्छे से गला हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
ही मज़ेदार। मलाई टिक्का है लेकिन जो इसमें जायके निकल के आए ना, वो तंदूर का जायका, क्रीम का जायका, और जो ये इसके साथ सैलड है क्रीम वाली, हल्की सी मिठास वाली, ओहो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। एक बाइट और लूँगा, हालांकि देर हो रही है और चीज़ों तक भी जाना है, लेकिन ये इतना मज़ेदार मुझे लगा कि एक बाइट और। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मलाई टिक्का है, इसको इस सैलड के साथ ही लेना है, तभी भैया असली जायका आएगा, वरना। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। स्टार्टर में नेक्स्ट आइटम है हमारा ये चिकन टिक्का। ये रहा जी यहाँ का टिक्का, प्रॉपर चिकन टिक्का। इसको चटनी से लेके देखते हैं, आप इनका चिकन तंदूरी ले लें या चिकन टिक्का ले लें, इसमें एक ख़ासियत है, वो ये है कि ये भरपूर चटपटा है, जूसी है, बहुत मज़ेदार है। तंदूरी से टिक्का में जायके में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। आप दोनों में से जो भी चूज़ करें, A1। अब जल्दी से इनके कबाब ट्राई करते हैं। ये रहा जी इनका मटन सीख कबाब, द सिटी शेफ का मटन सीख कबाब। सीख कबाब में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरी पसंद मटन की होती है, वो जूसीनेस चिकन में नहीं होती है, इसलिए मटन जो है वो हमारा फेवरेट रहता है, मटन सीख कबाब। ओए होए होए, इसका जूस देखो आप, वैसे ही ये टपक रहा है, इसके ऊपर उन्हें हो सकता है बटर लगाया हो। पिछली बार तो बहुत ज़बरदस्त जायका था, अब देखते हैं कि कुछ फ़र्क आया है या वैसे ही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मटन सीख कबाब हमने ट्राई किया प्रॉपरली, जैसे कि सीख कबाब होना चाहिए। इसकी ख़ासियत ये है कि आप देख सकते हो कि इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी है, थिक है, मसालेदार है, जूसी है, और मटन के कबाबों में हल्की सी हीक आती है, ज़रा भी इसमें हीक नहीं है, यही इस कबाब की खासियत है। A1। एक बाइट और, मटन सीख कबाब है यार, लेना तो पड़ेगा ना। कुछ मत करिए, यहाँ आइए, मटन सीख कबाब लिए, ये चटनी लिए, ज़बरदस्त। तो स्टार्टर्स की दुनिया से आगे बढ़ के मेन कोर्स पे आते हैं, और पहले ट्राई करेंगे यहाँ की मटन बिरयानी। ओए होए होए, मटन बिरयानी, और इस पर जो ये प्याज की गार्निशिंग हुई है ना, बस इसी ने दिल जीत लिया। चेक करते हैं कि जायका कैसा है। चावल बहुत उम्दा वाले यूज़ किए गए हैं, आप ये देख सकते हो, वैसे ही बिखर गए। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बिखरने वाले चावल नहीं पसंद हैं, लेकिन भैया चावलों की असली पहचान यही है, जो ये चावल बिखर जाते हैं ना, और चावलों की जो खुशबू आती है, ओहो वही तो है असली, प्रॉपर चावलों की खुशबू आ रही है। तो ये रही यहाँ की मटन बिरयानी। सबसे पहले एक स्पून सादा बग़ैर गोश्त के, देखते हैं कि चावल कैसे हैं और जायका कैसा है। सबसे पहला जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है कि चावलों की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, खुशबूदार है, जैसे कि बिरयानी खुशबूदार होनी चाहिए उस टाइप की बिरयानी है, और ज़बरदस्त A1। अब ज़रा इस मटन के साथ चेक करते हैं कि अब बिरयानी क्या कह रही है। बिरयानी लाइट है, स्पाइसी नहीं है, मसाले वसाले इसमें डले हैं, जो प्रॉपर बिरयानी होती है वैसी बिरयानी है। बहुत ही बढ़िया बिरयानी है, खुशबूदार है, चावल बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ करे हैं, मटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉपरली गला हुआ है ये मटन भी। मेन कोर्स में पहला आइटम हमने जो लिया वो है यहाँ की मटन बिरयानी। भैया मुझे तो बहुत पसंद आई, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने हमें दी है हैदराबादी चिकन बिरयानी। अब ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होने वाला है। मटन बिरयानी लाइट खुशबूदार जैसे कि बिरयानी होती है, ये होगी मसालेदार जैसे कि हैदराबादी बिरयानी होती है,
आइए चेक करते हैं कि हैदराबादी बिरयानी जो ऑथेंटिक है उसके ये कितने करीब है, वैसा ही टेस्ट है या कुछ अलग है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंगे। तो ये रही जी सिटी शेफ की हैदराबादी बिरयानी। पहला बाइट बगैर पीस के सादा। सिटी शेफ की हैदराबादी बिरयानी, चिकन हैदराबादी बिरयानी। जैसे कि हैदराबादी बिरयानी होती है वैसे ही है, हल्की सी स्पाइसी है। चावलों की खासियत ये है कि भैया ये चावल भी बहुत ज़बरदस्त, वही अच्छी क्वालिटी के चावल यहाँ पर इन्होंने हैदराबादी चिकन बिरयानी में भी यूज़ करे हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब ज़रा चिकन के पीस के साथ देखते हैं कि हैदराबादी बिरयानी क्या कह रही है, क्या ये हमें इस बाइट में हैदराबाद पहुँचा पाएगी या नहीं। पहली बिरयानी मटन बिरयानी, दूसरी बिरयानी चिकन हैदराबादी बिरयानी, दोनों ही बिरयानी ने दिल जीत लिया, एवन मज़ेदार हैं। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और यहाँ के जो ये दो आइटम हमें दिए हैं इन्होंने, एक है जी ये मटन नहारी और दूसरा आइटम जो ये हमें यहाँ पे दिया है मेन कोर्स में वो ये है बटर चिकन। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इनका स्टार्टर था पास, 10 out of 10, बहुत मज़ेदार स्पाइसी। मलाई टिक्के में जो कॉन्ट्रास्ट आया है ना, मलाई टिक्के की खासियत ये थी कि क्योंकि मलाई टिक्का लाइट होता है, उसमें बहुत स्पाइसेस नहीं होती हैं, इस वजह से वो स्पाइसी वाले आइटम से वो पीछे रह जाता है। लेकिन जो उसके साथ ये सैलड दी है मीठी वाली हुए क्रीम के साथ, उसने तो सबको पीछे छोड़ दिया। इतना मज़ेदार मलाई टिक्का था, बिरयानी दोनों A1 10 out of 10। अब जल्दी से देखते हैं कि भैया कसौटी पे ये नहारी और बटर चिकन उतरेगा या नहीं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इन्होंने ऐसी दी हैं कि जायका ज़रा भी इधर से उधर हो जाता है ना तो वो बात नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता। जल्दी से चेक करते हैं कैसी है यहाँ की मटन नहारी। जैसा कि सोनू भाई ने बताया जो शेफ हैं यहाँ के उनकी स्पेशलिटी में है मटन नहारी, और भी एक चीज़ बताई थी लेकिन मेरा दिमाग मटन नहारी पे अटक गया था क्योंकि मुझे पता है यहाँ की मटन नहारी बहुत अच्छी होती है। मटन नहारी हम ट्राई करने वाले हैं सबसे पहले, और उसको हम लेंगे ये नान के साथ। बहुत ही क्रिस्पी और बारीक नान है, ऐसी नान पसंद है यार, वो मोटे मोटे नहीं समझ में आते, इसके साथ बहुत ही प्यारे नान है, बहुत ही प्यारे नान है। आप देखो कैसे क्रिस्प, ओहो A1 यार, A1 नान ऐसे होने चाहिए। गर्म है अभी नान, बाद में मंगाएं गर्मा गर्म। ओए होए, आप ये देखो मटन की क्वालिटी चेक करो आप, कितना ज़बरदस्त ये मटन है, कितना ज़बरदस्त, एकदम सॉफ्ट, यूं ही टूट जाने वाला, यूं ही, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक हाथ से जा रहा है। क्या ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपर गला हुआ है। ये आ गई जी हमारी मटन नहारी की पहली बाइट। सिटी शेफ की मटन नहारी, ओ हो हो, गर्मा गर्म क्रिस्पी नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार मटन नहारी सिटी शेफ की यार। A1 थिक नहारी है, मटन नहारी जैसी होती है वैसी ही खुशबू है। नान, इस ये जो नान है ना, ये तो समझिए ऐसा है कि ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन समझिए, कि बगैर इसके बात अधूरी रह जाएगी। इस नान के साथ मिलके जो एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आया है ना नहारी का, वो बहुत ही मज़ेदार। तो भैया मटन नहारी हमने सिटी शेफ की ट्राई करी, बहुत ही मज़ेदार, A1 जैसे की मटन नहारी होनी चाहिए उस टाइप की मटन नहारी है। मटन प्रॉपरली गला हुआ है, फ्रेश फील हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कामरान भाई जो यहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने हमें रिकमेंड करी है ये खमीरी रोटी मटन नहारी के साथ। तो भैया जल्दी से चेक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रही है। ये भी वैसे ही सॉफ्ट मज़ेदार, तिल लगे हुए हैं प्रॉपर, और मटन नहारी अपनी A1। ये रहा जी मटन का पीस, बहुत सॉफ्ट है, आपको दूसरा हाथ, खासियत इस मटन की ये है कि आपको दूसरा हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दूसरे हाथ को बिज़ी रखो एक ही हाथ से। क्या ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है, प्रॉपर गला हुआ, ये देख
बहुत ही प्रॉपरली गला हुआ गोश्त है, ये बहुत ही प्रॉपरली गला हुआ गोश्त, ये देखिए। और जी इसके साथ ये ले लिया हमने खमीरी रोटी का निवाला। नहारी से तो हमें मोहब्बत हो ही गई, लेकिन खमीरी रोटी से कह रहे हैं कि आपकी मोहब्बत में भी चार चांद लग जाएंगे। चेक करते हैं सिटी शेफ की मटन नहारी खमीरी रोटी के साथ। दूसरा बाइट हमने लिया मटन नहारी का खमीरी रोटी के साथ। खमीरी रोटी भी, इनकी रोटी बहुत मज़ेदार है, इनकी सारी रोटी बहुत मज़ेदार है। रोटी की खासियत ये है कि सॉफ्ट है, देर से भी रखी हुई हो तो वो ज़्यादा खिंच नहीं रही है और अजीब सी नहीं हो जा रही है, बहुत मज़ेदार है। जायकेदार मज़ेदार लाजवाब मटन नहारी खाने के बाद दूसरा हमारा आइटम है मेन कोर्स में, ये बटर चिकन। देखते हैं कि बटर चिकन क्या कह रहा है यहाँ का सिटी शेफ का बटर चिकन। ग्रेवी थिक है जैसे कि होनी चाहिए और मुझे दूर से ही लग रहा है कि रिच होने वाली है इसकी ग्रेवी, मज़े में भी रिच होने वाली है। और इसको हम लेंगे इनके क्रिस्पी मज़ेदार से नान के साथ तंदूरी रोटी। यार ये रोटी बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार रोटी है, इतनी देर से रखी हुई है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे खिंचने वाली हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आ जाइए। ओए होए क्या गलावा है यार, क्या गलावा है, प्रॉपरली एकदम, मतलब क्या कहोगे इसे, बिल्कुल मेहनत नहीं करा रहा यार, थोड़ी तो मेहनत कराए, इतना प्रॉपरली गला हुआ। तो का बटर चिकन विद तंदूरी नान, देखते हैं कैसा है। लाजवाब बटर चिकन, हल्की सी मिठास है जैसे कि बटर चिकन में होनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल डिफरेंट दोनों के रुख हैं, जो नहारी है चटपटी मसालेदार थिक, और बटर चिकन भी थिक है लेकिन हल्की सी मिठास है जो कि बहुत प्यारी लगती है बटर चिकन में। शानदार ग्रेवी है नान के साथ, बहुत बढ़िया लग रही है। सिटी शेफ के सारे आइटम हमने एक एक करके ट्राई करे, सारे ही मज़ेदार लाजवाब, हर एक का अपना अलग टेस्ट है, अलग जायका है, आपको जो चीज़ पसंद आए आप वो ले सकते हैं। तो जितने आइटम हमने यहाँ लिए आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, हर चीज़ एवन है। अब जल्दी से इन सारे आइटम्स को ठीक से खा लें, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी एक एक निवाला खा के बताना पड़ता है। अब ज़रा शांति से खा लें, उसके बाद फिर आपसे मुखातिब होते हैं, तब तक के लिए। अच्छा भाई खाना हमारा हो चुका, लास्ट हम उठने ही वाले थे कि कामरान भाई की मोहब्बत, उन्होंने हमें खीर याद दिला दी कि सिटी शेफ की खीर अगर रह जाए तो कैसे काम चलेगा। बहुत ही मज़ेदार यहाँ की खीर होती है, और आप ये देख रहे हैं बाकायदा प्रॉपर कुल्लड़ के अंदर आपको ये खीर मिलने वाली है। प्रॉपर गार्निशिंग है इसमें, काजू बादाम वादाम ये सब पड़े हुए हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो है खीर का टेस्ट। तो टेस्ट तो बहुत शानदार है यहाँ का। ये रहा जी हमारा स्पून फुल ऑफ खीर, वाह ठंडक पड़ गई, मज़ेदार खीर। तो खाना खाने के बाद भाई कोल्ड ड्रिंक से बेहतर बल्कि कहीं ज़्यादा बढ़िया है ये खीर। तो अगर आप सिटी शेफ आते हैं और यहाँ का खाना ट्राई करते हैं तो खीर तो बनती है। तो दोस्तों द सिटी शेफ से यही था आज का वीडियो मज़ेदार खाने के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। पिनारू छोटा गोल्डना तो जेबुलो अंडी लाइट चे सजरा आगे पेटी पक्का संदूकड़ लुल्लई तुंदी गुंजी गोटा लांडी जरगुरा तम्मी हैदराबादी दी देडू शेरु दू दोस्ताना अंटावा मर्ची पोवू दुश्मनी अंटावा बदकी पोवू मोता।